हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आर में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम लोग सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आर में वेक्टर क्या होता है? एक सिंपल लिस्ट होता है, ये कह लीजिए सिंपल लिस्ट ऑफ आइटम होता है जो सेम टाइप के होते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें तो आप स्ट्रिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करें तो आप डायरेक्टली ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल ही वैल्यू होगी। ठीक, न्यूमेरिक ही वैल्यू होगी ओवरऑल। ठीक, नाउ इसको कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। हमको अगर हमको कंबाइन करना है लिस्ट ऑफ आइटम को वेक्टर में, तो हम लोग सी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब सी फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जब भी हम लोग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो हम लोग सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए वेरिएबल ले लिया हम लोग फ्रूट्स का, देन हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो हम लोग जब वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग सी लगाएंगे, सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सी फंक्शन क्या करता है? आइटम को सेपरेट कर देता है बाय कॉलम कॉमा। ठीक, नाउ हम भी जब कोई आइटम होता है हम यहाँ पे डालेंगे तो कॉमा के साथ हम उसको सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे कि हम पहला जो आइटम होगा वो होगा बनाना। ठीक, बनाना लिख लेंगे, ठीक कॉमा लगाएंगे। देन हम लोग दूसरा कोई आइटम लिखना है तो हम लोग एप्पल लिख लिए, कॉमा लगाएं। ठीक, थर्ड कोई आइटम लिखना है जैसे कि ऑरेंज, तो हम लोग इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग ने सी फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब सी फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कमेंट में लिख लेते हैं वेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, ये क्या है? वेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, नाउ हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, फ्रूट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक, और हम लोग ने सी फंक्शन का इस्तेमाल किया, और जब आइटम को हम लोग लिख रहे थे सेपरेट करके तो हम लोग कॉमा का इस्तेमाल किए। कॉमा का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम लोग मल्टीपल आइटम्स लिखेंगे। हम लोग ने सी का इस्तेमाल किया, अब हम लोग इसको प्रिंट करना है। अब हम लोग ने क्या किया, वेक्टर को क्रिएट कर लिया, वेक्टर को क्रिएट कर लिया। अब वेक्टर किस में क्रिएट कर दिया, कौन सा वेरिएबल नेम में? फ्रूट नाम में। ठीक, हमको इसको प्रिंट करना, तो हम सिंपल करेंगे प्रिंट, हम यहाँ पे नाम दे देंगे वेरिएबल्स का। वेरिएबल का नाम क्या है? फ्रूट्स है। तो हम लोग इसको इंटर, हम लोग का फ्रूट का नाम दे दिए, प्रिंट कर दिए। हम इसको रन कराएंगे, रन कराएंगे यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, हम लोग रन कराया तो हम लोग का देखिए आइटम यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए। ठीक, नाउ हम लोग ने क्या किया, अभी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। यानी कि हम लोग ने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया जब भी हम लोग कोई आइटम एक देंगे, ठीक, वेक्टर के अंदर अगर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो पूरी जो आइटम होंगे वो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के ही फॉर्म में होगा। ठीक, अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं तो ओवरऑल जो होगा वो न्यूमेरिक ही वैल्यू में होगा। कैसे वो समझते हैं हम लोग। अभी हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि है नंबर्स। एक नया वेरिएबल लिया, देन हम लोग सी, इसमें हम लोग वैल्यू देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यू है। ठीक, मैंने क्या किया, वेक्टर वेक्टर का इस्तेमाल किया, बट यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करें। अब इसको प्रिंट करते हैं, हम लोग यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर लेते हैं। हम लोग सिंपल एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करते हैं, रन कराएं, फिर रन कराएं, देखिए हमारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहे हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनवायरमेंट में हम लोग ने जो जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक, हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं आप क्या क्या हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ आगे मूव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम वेक्टर विद द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करते हैं, हम लोग वेरिएबल लेते हैं नम नाम का, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। नाउ यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, स्टार्टिंग है 1 से और कहाँ तक चलेगी 10 तक, हम लोग इसी को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक, अब इसको रन कराएंगे सिंपल, हम लोग पहले इस लाइन पे इसको रन कराएंगे, देन लास्ट में जो नम है उसको हम रन कराएंगे। देखिए हमारा सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक आ गया, हम लोगों ने सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, कौन सी वैल्यू का, न्यूमेरिक वैल्यू का इस्तेमाल किया, कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक एंड होगा 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। आप प्रिंट डायरेक्टली इसको वेरिएबल नाम लिख के भी कर सकते हैं, और आप प्रिंट इस तरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे प्रिंट करेंगे हम लोग इसको रन कराएंगे तब भी क्या कर देगा, प्रिंट होकर दे देगा। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। हम लोग अब डेसिमल सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक मैंने देखा था कि हम लोग डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, बट हम लोग अब देखेंगे कि न्यूमेरिकल डेसिमल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, एक वेरिएबल लेते हैं एन नाम का, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए हम लोग वेरिएबल दे दिए वैल्यू दे दिए डेसिमल्स 1.5 से लेकर कहाँ तक, 6.5 तक। ठीक, ये वैल्यू दे दिए, हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, नाउ इसको रन कराएंगे सबसे पहले, तो हमारी वैल्यू देखिए 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 तक आ गई। ठीक, इस तरह आप वैल्यू यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं डेसिमल्स फॉर्म में। ठीक, अब लॉजिकल वैल्यू आपको देनी है तो लॉजिकल वैल्यू भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पे हम लोग अगर लॉजिकल वैल्यू देने वो कैसे देंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉग नाम का, लॉग अंडरस्कोर वैल्यू नाम का हम लोग ने वेरिएबल ले लिया। ठीक, नाउ
जब भी आप वेक्टर डिफाइन करेंगे सी फंक्शन के अंदर ही वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अब लॉजिकल वैल्यू की क्या वैल्यू होती है, दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक। और कौन से किस में होती है, ट्रू फॉल्स कैपिटल लेटर में होगा। नाउ हम लोगों ने वैल्यू दे दिया, हम लोगों ने तो क्या दिया, चार वैल्यू दिए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक। नाउ इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं लॉग, या तो आप सीधा सिंपल कर सकते हैं प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं इसको, या डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम देकर भी आप वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। नाउ इसको रन कराएंगे, अगर हम लोग देखिए हमारा जो वेक्टर है वो प्रिंट होकर आ रहा है, ये किस टाइप का है, अगर हम कमेंट में लिख देते हैं अगर आपको पहचान में दिक्कत हो रही है, वेक्टर ऑफ लॉजिकल वैल्यू टाइप की है, ठीक। नाउ अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि किसी चीज की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक, किसी वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब लेंथ फंक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है कि लॉजिकल वैल्यू का इस्तेमाल किया है, ठीक। अब अगर इसका ही लेंथ चेक करें हम लोग, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे लेंथ के अंदर डालेंगे लॉग और वैल्यू, ठीक। इसको अगर हम लोग रन कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगी 4 आ गई, ठीक। ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अभी हम लोग ने देखा लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ आगे बात करते हैं कि हम लोग अगर वेक्टर को सॉर्ट करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए सबसे इजी वे क्या है, आर में क्या है, ये इनबिल्ट फंक्शन देता है सॉर्ट फंक्शन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग वेक्टर क्रिएट करेंगे नम्स नाम का, नंबर्स नाम का, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे 13, 14, 3, 5, 7, 20, ये वैल्यूज हैं इसमें, ठीक। नाउ हम लोग शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक। अगर हम लोग हम लोग अब इसको रन कराएंगे, यहाँ पे देखिए इसको रन कराएंगे और ये करेंगे तो ये वैल्यू क्या करेगा, सॉर्ट करके दे रहा है वैल्यू, ठीक। आप इस तरह डायरेक्टली सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं आर प्रोग्राम के अंदर। नाउ अगर आपको कोई एलिमेंट्स को मान लीजिए कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक, आप तब कैसे करेंगे, ठीक। नाउ आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल का नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, नंबर्स, और यहाँ पे हम लोग वन को असाइन करेंगे। इसको रन कराएंगे तो हमारे जो नंबर थे इंडेक्स नंबर वन पे, देखिए इंडेक्स नंबर वन पे क्या है, देखिए आर में क्या होता है, जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वन से। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर वन पे कौन सी वैल्यू है, 13, तो 13 प्रिंट होकर आ रही है, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेते हैं, ठीक, इसको रन कराते हैं तो हमारा 4 नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 5 वैल्यू है, तो 5 को ये क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा, ठीक। नाउ अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर सी फंक्शन का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे वैल्यू कहाँ से, 1, 3, ये मल्टीपल एक्सेस हम लोग वैल्यू कर रहे हैं, ठीक। इसको रन कराएंगे, देखिए मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर रहा है कहाँ से, लेकर 1 से लेकर और 3 के बीच में, यानी कि 1 और 2 हमारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होकर आएगी। और 3 वैल्यू इसलिए प्रिंट नहीं होकर आएगी क्योंकि जो लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, जो थर्ड आइटम होता है उसके पहले का ही प्रिंट करता है, यानी कि अगर हमको 3 को भी प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे 4 पास करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ देखिए 3 और 4, यानी कि हम लोग ने इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू को हम लोग ने प्रिंट कर लिया, ठीक। नाउ अगर हमको फिर से 3 प्रिंट करना है तो हम लोग उसका इंडेक्सिंग नंबर देंगे, यानी कि 3 है 1, 2, 3, हम लोग 3 को प्रिंट करेंगे, उसको रन कराएंगे, हमारा वो आ गया, ठीक। नाउ अगर हमको 20 करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 नंबर हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, 6 इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 13 और 20 आ गया। इस तरह हम लोग मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक। नाउ अगर हम लोग निगेटिव की बात करें, निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें जाए, वो कैसे करेंगे, तो निगेटिव इंडेक्सिंग करने के लिए आप अगर आपको यानी कि अगर आपको इसमें इंडेक्सिंग निगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, ठीक, वो कैसे करेंगे, आप यहाँ से -1 करेंगे, -1 किसका होता है, T20, ये -1 अगर इंडेक्सिंग की बात करी जाए, हम लोग ने -1 किया है तो इंडेक्सिंग हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक। ओवरऑल जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो होकर आ गई, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए एक चीज, निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ अब एक चीज यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है, कौन सा फर्स्ट इंडेक्सिंग कौन सी, 13 है, 13 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक, जब हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। अगर आप फिर यहाँ पे 2 करेंगे तो एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर का जो इंडेक्सिंग है उसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 कर लेते हैं तो 3 नंबर की जो इंडेक्सिंग है उसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट हो रहा है,
अगर फोर क्या करते हैं, आप फोर लिखते हैं तो फोर, सॉरी जो फोर नंबर की जो इंडेक्सिंग छोड़ के बाकी सब वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आएंगे। ठीक, नाउ अगर वैल्यू आपको चेंज करनी है किसी इंडेक्सिंग पे, वैल्यू आपको चेंज करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम डालेंगे, क्या है नंबर्स है, नंबर्स के अंदर किस नंबर पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर वन पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, क्या वैल्यू देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं 100। ठीक, हम लोग ने 100 वैल्यू यहाँ पे, सॉरी हम लोग न्यूमेरिक को काम करें तो 100 चाहे हमको यहाँ पे अपडेट करें। ठीक, करने के बाद हम लोग यहाँ पे नंबर्स को एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हुआ, अब देखिए हम लोग ने 13 था पहले इंडेक्स नंबर वन पे, अब क्या आ गया 100 वैल्यू आ गया। ठीक, सेम हम लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी कि सेम कर लें फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, इंडेक्स फिफ्थ पे 500 वैल्यू आ जाए। ठीक, और हम लोग इसको क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे नंबर्स। ठीक, नाउ इसको रन कराएंगे, सॉरी सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इसको रन कराएंगे इस हेडिंग को, इस लाइन को, देन हम लोग इस लाइन को कराएंगे तो देखिए यहाँ पे 500 आ गया। ठीक, सात के प्लेस पे, सात मतलब यानी कि फाइव इंडेक्स नंबर फाइव पे, ठीक सेवन वैल्यू थी उसको चेंज रिप्लेस करके कौन सी वैल्यू आ गई, 500 वैल्यू आ गई है। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं सीक्वेंस की, बात कर लेते हैं अगर आपको सीक्वेंस चाहिए होगा नंबर्स के बीच में। ठीक, नंबर्स में, ठीक तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे नम्स नाम का। ठीक, यहाँ पे सीक्वेंस नाम का फंक्शन होता है SEQ। ठीक, उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इक्वल टू जीरो, जीरो से लेकर कहाँ तक जाना है, फ्रॉम 200, और कितना गैप होना चाहिए, ठीक बाई 20 का गैप होना चाहिए। ठीक, यानी कि 20-20 नंबर का गैप होगा और आपको ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक, आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, रन कराएंगे और रन कराएंगे, देखिए सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्या है अनएक्सेप्टेड न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक, अब कांस्टेंट कौन सा है, पाई, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, क्या कर दी है हम लोग ने, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया साइन। ठीक, यहाँ पे देखिए बाय के पास भी हम लोग ने इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक, अब इसको रन करते हैं सबसे पहले, नाउ अब रन कर रहे हैं तो हमारा देखिए गैप दे रहा है, 20-20 का गैप दे रहा है, कहाँ से जीरो से स्टार्ट कर रहा, कहाँ तक जा रहा, 100 तक जा रहा, बीच में कितने का गैप है, 20-20 का गैप है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग ने 100 को करना है और कितना गैप देना है, यहाँ पे 100 का गैप देना है। ठीक, 1000 तक जाना है और कितने का गैप देना है, 100 का गैप देना है, तब भी ये 100 का गैप देकर यहाँ प्रिंट करके दे देगा। ठीक, नाउ तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे लिस्ट पे, बात करेंगे लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तब के लिए थैंक यू।